जी वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? हसाम। सर मेरा आज का जो क्वेश्चन है वो ये, आपको पता है सऊदी अरेबिया जो है उनके इंडिया के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है कि आप हमें फार्मेसी में हेल्प करें, और इंडिया जो है आपको पता है वो तो आजकल वैसे ही सऊदीया को काफी सपोर्ट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इंडिया जो है वो इंडिया में सऊदी अरेबिया चौथे नंबर पे बड़ा ट्रेडर बन चुका हुआ है, क्या कहेंगे सर इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सऊदी अरेबिया आप कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है, किसी दौर में सऊदी अरेबिया हमें भी बहुत सपोर्ट करता रहा है, बल्कि अभी तक कर रहा है। हम उनका अभी तक जो $3 मिलियन जो है हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने उसको क्या कहते हैं खाना शुरू किया है। तो इसलिए जो सऊदी अरेबिया है ना, वो अपने या कोई भी दूसरी कंट्री है वो अपना GDP देखता है, वो अपनी मुल्क की मैशियत देखता है, उसको इससे कंसिडर नहीं होता कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा या नहीं करेगा। वो ये देखेंगे कि उनको बेसिक प्रॉफिट कहाँ से होगा, उनकी जो इकोनॉमी है उसको फ़ायदा कहाँ से होगा। दूसरी बात जहाँ तक है इंडिया की, इंडिया वैसे ही हमसे बहुत अच्छा है GDP के लिहाज से भी, ठीक है। और हमारे जो मेडिसिन, हमारे तो इधर मेडिसिन पता नहीं शाहदरा में बन रही है, कहाँ कहाँ बन रही है, हम पे और वो भी हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट्स बन रही हैं। और अगर हम पैनाडोल की बात करें तो वो एक्सपायरी लोगों को दी जा रही है। वही कह रहा हूँ, शाहदरा में वो जो बन रही होगी वो डुप्लीकेट ही होगी ना, वो लाइसेंस फैक्ट्री तो नहीं ना होगी। तो इसीलिए हमारे लोगों की हरकतें अच्छी नहीं है, हमारे बेसिक हमारे लोगों की नहीं, हमारे लोग भी मजबूर हैं। हमारी गवर्नमेंट्स हमारे उनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज, कुछ अच्छे वसाइल प्रोवाइड करें तो लोग गलत काम ना करें। आप दुनिया में कहीं किसी भी कंट्री में देख लें कि जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, GDP स्ट्रांग है, उनकी गवर्नमेंट्स उनके लोगों को सपोर्ट करती है, उधर ये काम क्यों नहीं होते? ये काम बांग्लादेश में नहीं होते, ये काम हालांकि बांग्लादेश हमसे ही ज्यादा, हमसे बाद हमारे बाद वो आजाद, बल्कि हमारे बाद हम लोगों से वो आजाद हुआ ना। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वो हमारा हिस्सा है, मैं तो दुआएं करता हूँ कि अल्लाह करे वो दोबारा से हम एक हो जाए, लेकिन ये तो अब हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा जो है ये हमारे हुक्मरानों पे डिपेंड है कि वो क्या करते हैं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया और इंडिया अगर ट्रेड कर रहे हैं तो वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान को यही पैगाम देंगे, आवाम को यही पैगाम है, खुदा अल्लाह उन लोगों को लाएं जो इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ आपके तवसल से कि खुदा रहा इन लोगों को ना आने दीजिएगा जो मुल्क को खा चुके हैं पहले, क्योंकि ये लोग मुल्क को दीमक की तरह खा चुके हैं। अभी ये देख लें रिसेंटली जी, एक आता है उसके केसेस ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा आता है उसके ख़त्म हो जाते हैं, पता नहीं मुल्क के साथ क्या करेंगे। अभी आप इमेजिन करें, मैं आज एक खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में जो रिसेंटली इस मंथ की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज देने के पैसे नहीं है, उसके लिए जो अमेरिका वाला होटल है PIA का, उसकी जो असल मालियत है $12 मिलियन है, उसको $6.8 मिलियन में कम रेट्स पे बेच के ताकि एम्प्लॉयज को सैलरीज दी जाए, मुल्क में डॉलर्स नहीं है। पता नहीं ये मुल्क पे क्या तोहफे ला के बिठा दिए, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो मैं आवाम को यही कहूँगा कि सोच समझ के वोट दीजिएगा, लेकिन आवाम की वोट से आज तक आया कौन है? खान साहब भी जो है सिंसियर नहीं लग रहे हैं कौम के साथ। खान साहब कोई पैगाम है, अगर असेंबलियाँ तहलील करनी है तो करें, अगर नहीं करनी तो वो भी बताएं, जो भी आपका प्लान।